अंगूर एक बहुत ही स्वादिष्ट फल है और पूरे भारतवर्ष में उगाया जाता है। जो सब ट्रॉपिकल क्षेत्र है, जो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसमें जो मौसम होता है दिसंबर जनवरी के महीना में अंगूर डॉर्मेंट होती है और उस डॉर्मेंसी के बाद इसमें फुटाव आते हैं फरवरी के महीना में। हम जनवरी के महीना में प्रूनिंग करते हैं, सारे किसान भाइयों ने जनवरी के महीने में जो अंगूर का खेती कर रहे हैं उन्होंने प्रूनिंग कर लिया होगा, उसके बाद फिर फुटाव आते हैं। फुटाव के बाद जब उसमें 20 से 25 दिन के बाद अंगूर के जब गुच्छे दिखने लगते हैं, गुच्छे नए नए निकलना शुरू होते हैं, तो वहाँ पे जब गुच्छे थोड़े साइज में 3-4 दिन के हो जाते हैं तो जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं करीब 10 PPM का, और फिर उसके 3 से 4 दिन के बाद फिर हम कहते हैं 10 PPM का प्रयोग करने के लिए। अगर वो नहीं करते हैं तो जब गुच्छे बड़े होते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं 40 PPM मतलब 40 mg प्रति लीटर की दर से जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग जब गुच्छे में करीब 50% फूल खिल जाते हैं तब हम लोग करते हैं। इस वक्त पोटाश डालना बहुत आवश्यक होता है, तो अप्रैल के अंतिम सप्ताह में करीब 200 ग्राम प्रति वाइन प्रति जो इसका पेड़ है उसमें 200 ग्राम पोटाश पोटेशियम सल्फेट के रूप में डाल से कि बेरी में गुणवत्ता अच्छी आएगी। तो जो किस्में जो इस जलवायु के लिए उपयुक्त हैं उसमें पूसा सीडलेस है, उसके दाने लंबे आकार के होते हैं और ये जिब्रेलिक एसिड के लिए बहुत रिस्पॉन्सिव है। दूसरा जो किस्म है वो पूसा उर्वशी है और इसके दाने गोल आकार के हैं, गुच्छे थोड़े बड़े साइज के होते हैं, और उसी के साथ ही हम लोगों ने एक पूसा नौरंग किस्म विकसित किया था। इसका जूस बहुत अच्छा होता है, इसका जो गुदा और इसका जो छिलका होता है गहरे लाल रंग का होता है। अब देखेंगे कि हर मतलब चौथे पांचवें दोनों गांठ पे एक एक गुच्छा लटकता है, तो एक ही उसमें सूट पे दो गुच्छे बनते हैं, बाकी सब में एक गुच्छा रखते हैं, लेकिन दोनों गुच्छे बड़े हेल्दी होते हैं। और इसमें जो मात्रा है पोषक तत्वों की, जैसे कि एंथोसाइनिन है, टोटल एंटीऑक्सीडेंट है, फ्लेवोनॉइड्स है, जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। पूसा त्रिशर, पूसा अदिति, पूसा स्वर्णिका और एक पर्पल कलर की किस्म है पूसा पर्पल सीडलेस, जो कि पिछले साल ही विमोचित की गई है, जो कि बहुत उपयुक्त है लगाने के लिए। तो इन किस्मों की खासियत यह है कि ये जल्दी पकने वाली हैं, अच्छी उत्पादन देने वाली हैं और ये जो पूरे उत्तरी भारत में है इसको किसान भाई आराम से लगा सकते हैं। खेतों में पानी सीधे दे रहे हैं, बिना ड्रिप के दे रहे हैं, तो 10 दिनों के अंतराल पे करें। अगर आप ड्रिप सिंचाई का प्रयोग कर रहे हैं तो आप वाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अल्टरनेट डे पे सिंचाई कर सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू या पाउडरी मिल्ड्यू या एंथ्रेक्नोज, जो तीन बीमारियां इस समय अगर बारिश हो गई ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो दिखती है। डाउनी मिल्ड्यू में पत्तियों के नीचे रुई के जैसे धब्बे बनते हैं और पाउडरी मिल्ड्यू में पाउडर के आकार का पत्तियों पे होता है, एंथ्रेक्नोज में धब्बे पत्तियों के ऊपर बनते हैं, फलों के ऊपर बनते हैं। अगर ऐसा है तो डाउनी मिल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज के लिए अगर आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करेंगे तो इससे नियंत्रण रहता है। और जहाँ तक पाउडरी मिल्ड्यू का प्रश्न है उसमें 1 ml प्रति लीटर की दर से कराथिन का प्रयोग करते हैं तो ये नियंत्रण में रहता है। अंगूर जब आप मई के महीने में आ जाए तो आप पानी लगाना बंद कर देंगे। अंगूर जब पकने की अवस्था में जाता है तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, नहीं के बराबर होती है, और पानी अगर नहीं देंगे तो उसमें गुणवत्ता में सुधार होता है। और जब अंगूर का TSS करीब 18 डिग्री ब्रिक्स पहुंच जाए तो तोड़ने के लिए उपयुक्त होता है, उसको तोड़ करके बाज़ार में ले जा सकते हैं।